नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। डवाली में सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की गई है। एक बड़ी खबर आपको डवाली से रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर सब्जी मंडी एसोसिएशन के सभी आड़तियों की ओर से दो लोगों के खिलाफ जो कि ब्लैकमेलिंग करने, झूठी जो कि कार्रवाई से परेशान होने की बात के चलते हड़ताल की शुरुआत की गई है। और इसकी वजह से उन्होंने बताया कि हम सभी आड़ती मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, नित नई शिकायतें करके दुकानदारों को परेशान करते हैं। हम इनकी शिकायत डीसी को भी दी, जिसकी पर कॉपी संलग्न कर दी गई साथ, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं और सभी ने अब ये इरादा किया है कि तब तक ये हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती। आपको बता दें कि डवाली के दो लोगों पर, जिनमें एक प्रवीण कुमार, दूसरा काका सिंह छाबड़ा, दो लोगों पर गंभीर आरोप जो कि सब्जी मंडी एसोसिएशन की ओर से लगाए गए हैं। जो कि सब्जी मंडी में प्रवीण पर आरोप है कि वो मुनीमी का काम करता था और जिसने 1 मई 2022 में वैष्णो फ्रूट कंपनी सब्जी मंडी डवाली में उपरोक्त कंपनी में मुनीमी का काम करता था, जिसका प्रॉपर्ट जो है अशोक कुमार है। कंपनी की सारी बहियाँ उसकी देख रेख कब्जा में रहती थी और दोषी ने 4 महीने काम किया, उसके बाद हरियाणा फ्रूट कंपनी मंडी डवाली पर काम करना शुरू कर दिया था सिरसा में, जिसका प्रॉपर्ट शगन मोंगा है, जिसने 4 महीने काम किया। लेकिन उसके बाद जो कि दोनों कंपनियां दुकान नंबर 9 सब्जी मंडी डवाली में काम करती है, वहां उपरोक्त कंपनी का सारा लेन देन व सारी बहियाँ उसके देखरेख में कब्जे में रही है, जो कि बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उसके पास सारी बुक्स हैं, सभी खाते हैं और वो बार बार प्रताड़ित कर रहा है, उनको उकसाया जा रहा है। ऐसे में डवाली में अब सब्जी का संकट पैदा हो सकता है, फ्रूट का संकट पैदा हो सकता है, शाम तक का स्टॉक बचा है। वहीं पर हमने जब बातचीत प्रवीण से की तो उनका फ़ोन बंद आया, लेकिन काका छाबड़ा के साथ बातचीत, उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ मेरे प्रवीण रिश्तेदार लगते हैं, मेरा राजस्थान में काम है, मेरा यहां से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। हम दूसरे पक्ष की बात सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आरती क्या कुछ कह रहे वो आपको सुनवाते हैं। एसोसिएशन का हूं जी, हमारे को दो आदमी परेशान करते हैं और वो दादागिरी दिखाते हैं और हमारे से मंथली मांगते हैं और रात को वो आते हैं और वो हमारे जो कागज होते हैं वो उठा लेते हैं। हमने इसका सारा मुद्दा प्रशासन को दिया है, हमने डीसी साहब को भी सौंपा, एसपी साहब को भी सौंपा और यहाँ के इंचार्ज को भी सौंपा और हमारी अभी तक 15 तारीख को या 16 तारीख को हमने दिया, अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, इसलिए हम इस धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे को जो दिमागी परेशानी इन्होंने दे रखी है बिना मतलब के, बिना बात के, और अपना प्रेशर जमाने के लिए, हमारे को ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो कहने का मतलब हमें यही चाहते हैं अभी ऐसे आदमियों को, कहने का मतलब इनको सजा दी जाए या इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको जो कानूनी कार्रवाई है वो इनके ऊपर हो, जो कि हम व्यापारी अपना काम अच्छे ढंग से कर सकें। यही हमारी कहने का मतलब प्रशासन से जहाँ हमारी मांग है, हमारी किसी से कोई जाति कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं है। सर, कुल कितने आड़ती यहाँ पर अप्रूव्ड हैं और आप सब लोग इस हम करीबन 30 के करीब आड़ती हैं जो लाइसेंसदार हैं। तो कहने का मतलब सब हम इकट्ठे हैं, सबकी ये सबको वो तंग कर रहा है, सबको, एक को नहीं सबको कर रहा है। कौन लोग हैं, क्या वास्ता है सर? वो उसका नाम है, एक तो प्रवीण चुग है, एक वो है काका हनुमानगढ़ का, ये दोनों हनुमानगढ़ रहते थे, अब ये प्रवीण है यहाँ रहता है, काका वहाँ रहता है जी। तो एक दो अन्य और हैं जो इनके पीछे उनको जो गाइड कर रहे हैं, वो छुपे रुस्तमा है, वो हमारे को पता नहीं कौन है। सब आड़ती की मुनीमी करते थे क्या? ये पार्ट टाइम पे काम करते थे, किसी किसी के पास, किसी किसी के पास पार्ट टाइम काम करते थे जी। 500 रुपए देते थे, वो भी इसकी माली हालत को देखकर हम इसको देखते थे, परंतु हमारे को नहीं पता था कि ये हमारे साथ ही ऐसा हमारे पैसे रखेगा, धोखा देगा। हमने इसकी मदद की, घरेलू इसकी समस्या को देखते हुए भी हमने इसकी मदद की, उसकी मदद का उसने हमारे साथ नजायज फायदा उठाया और उसके बाद हम हमारे को ये इस तरीके की मांगे मांगने लग गया कि आप फ्री 2000 रुपया दुकान दो मेरे को, 60000 रुपया, नहीं तो मेरा तो धंधा ऐसे ही चलेगा। क्या फ्रॉड क्या हुआ सर आपके साथ? हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, रात को ये आता था जी, किसी के क्रेट उठा लेता था, हमारी किताबें पड़ी होती थी, हमारी दुकानों पर कोई दरवाजे नहीं, कोई खिड़की नहीं है, वो आता था वहाँ से लेटर पैड उठा लेता था और उठाकर वो अपनी मर्जी से, कहने का मतलब, बिल बना लेता था और उसको टारगेट करता था कि ये देखो तेरा बिल है, तो ये कहने का मैं पेश करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। इस ऐसी दुकानों का पेश किया है जिनका 10000 रुपये की सेल नहीं, उसका इसने 2-2 लाख का बिल काट रखा है, तो जो कहने का मतलब उसने 2 लाख का 1 महीने में भी काम नहीं किया,
उसकी वो शिकायतें कर रहा है, करने दो, शिकायत करने का सबका हक है, परंतु वो इसको हमारे को टारगेट तो ना करे, शिकायत महकमे को करे, हमारे को मोबाइलों में डाल रहा है। ये हमारे पास उसकी मूवी है, चोरी करते की भी, उसके बिल की भी, सब कुछ है हमारे पास ही। अभी आपने सर क्या फैसला किया है सवाल? हम तो ये कहते हैं भी दोषियों को कहने का मतलब सजा मिले और हम अपना आराम से अपना धंधा करेंगे। अभी आप मतलब सब्जी वगैरह नहीं आई आज से? नहीं, आज हमारा पहला दिन है, तो कल से जितना देर हमारे को भी नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हम ऐसे कहने का मतलब हमारा चालू रहेगा जी। नहीं आएगी जी, नहीं करेंगे जी। पूरे शहर के लिए भी संकट होगा सर, क्योंकि आप वो तो प्रशासन जाने, आपने लिखित में दे दिया है? हमने सब लिखित में दे दिया जी। तो क्या आगे की रणनीति क्या है सर? हम बैठे हैं जी ऐसे ही, नहीं बैठे, कोई ऐसा बात हमारी नहीं सुनेंगे, हरियाणा सरकार नहीं सुनेगी, तो हमारे पास एक किलोमीटर पंजाब का साधन है, हम पंजाब में चले जाएंगे जी, अपने धंधा तो करना है, हम भूखे थोड़ा मरने हैं जी, हम एक किलोमीटर के बाद हमारा ये पंजाब में धंधा है, हम चले जाएंगे। हाँ जी, उसमें से 7-8 आड़ती चले गए हैं, ऐसे लोग जिन्होंने तंग किया उनकी तंगी के वो सामने नहीं आए, वो अपना शिफ्ट करके पंजाब में चले गए जी, प्रशासन ने सुनाई नहीं किया, वो पंजाब में चले गए, जिसकी हरियाणा सरकार को काफी नुकसान हो रहा है उसकी मार्केट फीस का। पंजाब वाली मंडी तो आज भी खुली है, ऐसे हमारे को परेशान करेंगे, हम पंजाब में जाएंगे जी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा जी, धरने पे बैठेंगे, हमारा क्या रोजगार, हम किस किस को देकर पैसे पूरा करेगा, हमारे पास यहाँ कौन सी ब्लैक की कमाई है? साढ़े को 6 महीने का काम करता सी मुनीमी का, हरियाणा फ्रूट कंपनी से, साड़ी रात को करेटा चुके लै गया जी, ऐसी वीडियो भी हैगी मेरे को, साड़ियाँ किताबा भी चोरी करके लै गया वो जी, साडू किताबा मोड़ नहीं रहा, कह रहा 2000 रुपये मंथली या 60,000 रुपये महीना दो सू किताबा मोड़ूंगा सोडिया, साड़ी किताबा भी नहीं वापस कर रहा, तो आ 200 क्रेड चोरी करके लै गया जी रात को, नहीं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फैसला यही है, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, अब हड़ताल चलेगी तब तक। दो ही लोग आपको परेशान कर रहे हैं? हाँ जी, दो ही लोग हैं, उसके पीछे और भी बंदे हैं, फिलहाल दो ही हैं सामने जी, गैंग बनी हुई है, 4-5 बनोगी इनको भी। तो क्या कोई आपसे मंथली मंथली हाँ किसी के थ्रू भी आते हैं, 2000 रुपये पर दुकान से मांगते हैं, सारी दुकानें 2000 रुपये मंथली देंगे। हाँ पीछे से हनुमानगढ़ से भी भागा हुआ है कईयों के पैसे खा के, वो ऐसे ही उनको टारगेट किया है। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आपका कहना है कि ये जो 2-3 लोग हैं आप बता रहे हैं, इन लोगों ने आपकी वही खाते सब कुछ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सभी उठा के किताबें उठा के ले गए हमारी दुकान से जी। हाँ जी हाँ जी, फर्जी रिकॉर्ड बना रखे है, ओरिजिनल किताबें उठा के ले गए, लेटर पैड भी चोरी करके ले गया, फर्जी बिल बना दिए उसने जी, फर्जी बिल बना रखे उसने। मेरा नाम रजनीश मोंगा है जी, मैं सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन मंडी डावली का महासचिव हूं, और मैं एसोसिएशन की तरफ से ये आपको बताना चाहता हूं, जो एक मुनीम और आड़ती का रिश्ता होता है, वो एक पर्दे का और एक मेल जोल का रिश्ता होता है, उसने उस रिश्ते के अंदर फूट डालकर उस रिश्ते को बिल्कुल तार तार कर दिया, क्योंकि जैसे घर के अंदर हर आदमी को ओट होती है ना, उसने उस ओट को ख़त्म कर दिया बिल्कुल। उसने जो नकली बिल बनाए हैं, चेक चोरी किए हैं या क्रेटे चोरी किए हैं, उसने जो बाकी भी और दुकानों पर मुनीम काम करते हैं उनके प्रति भी ऐसा माहौल पैदा कर दिया भी कोई आड़तिया किसी के ऊपर यकीन नहीं करेगा, सबको शक की निगाह से देखा जाएगा। तो हम ये चाहते हैं भी ऐसे आदमी को प्रशासन द्वारा पकड़ कर उसके ऊपर धाराएँ लगा कर 420, 120 और 384 जी जैसा विश्वासघात करने का, चोरी करने का, जो भी उसके ऊपर धाराएं लग सकती हैं, उसको पकड़कर उसको सजा दी जाए, ताकि जो इस तरह के जो रिश्ते हैं वो कायम रह सके समाज के अंदर। जो उसने रिश्ते ख़त्म कर दिए, ये एक बहुत बड़ा पाप किया है उसने सब्जी मंडी के अंदर, और हम चाहते हैं भी इसको पूरी सजा दी जाए और ये जो विश्वास है वो कायम बना रहे। हमने यही फैसला किया, जब तक सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन की ये मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, तब तक हम ये जो अनिश्चितकालीन तक धरना है, प्रदर्शन है, ये चलेगा।
और हम लोग अपना कारोबार बंद रखेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी प्रशासन सुनवाई नहीं करता तो हमारे पास, प्रधान जी ने जैसे आपको बताया, किलोमीटर पंजाब की मंडी है, तो हमारे पास अपना कारोबार वहाँ जारी रखने का ही एक लास्ट ही मुद्दा रह जाएगा। जो हम जो स्टेप नहीं उठाना चाहते, हम वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी हो जाएगी हमारी भी, हम उसको उस काम को हमारे को करना पड़ेगा।